देखिए, इस मानसून के अंदर ज़िला कांगड़ा के अंदर बहुत सारी ऐसे स्थान हैं, विभिन्न उपमंडलों में ये स्थान हैं जहाँ पर जो पहाड़ियाँ दरकने की वजह से जो नुकसान है उसको इस बार देखा गया है। और इसमें जो हमारा ज्वाली और जो नूरपुर सब डिवीज़न है, इसके अंदर कुछ लोकेशंस हैं, ज्वाली के अंदर, मियांगल के अंदर, अनूही के अंदर और नूरपुर के अंदर जोंटा जो है, और आपका लदोड़ी है, मिंजग्राम है, यहाँ पर जो है डैमेज इस बार प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेन हुआ है। और इन सारी लोकेशंस को आज मैंने और एसपी साहब ने कंसर्न एसडीएम के साथ विजिट किया, और यहाँ पर कुछ एरियाज़ की जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी हमने करवाई है, हालांकि उसकी रिपोर्ट आनी इस समय बाकी है। और यहाँ पे सभी इन लोकेशंस में ये पैटर्न जो देखा गया कि जो पहाड़ियाँ हैं वो खिसक रही हैं और बड़े बड़े जो दरारें हैं वो ज़मीन के अंदर पड़ गई हैं, जिसकी वजह से जो मकान हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो डैमेज है सस्टेन हुआ है। और बहुत सारे लोकेशंस ऐसे हैं जहाँ पर इवैक्यूएशन एक प्रिकॉशनरी तौर पर जो उनके भी डाउन स्ट्रीम एरियाज हैं वहाँ पर लोगों की करवाई गई है, और जहाँ पर लोगों के पास एक वैकल्पिक सुविधा है, उनके रिलेटिव्स हैं वहाँ पर या गांव के और लोग हैं वो उनके साथ शिफ्ट हुए हैं, और जहाँ पर जैसे लदौड़ी के अंदर या फिर न्यांगल के अंदर जहाँ पर उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उनको प्रशासन की ओर से जो रिलीफ कैंप्स इस्टेब्लिश किए गए हैं वहाँ पर रखा गया है, और वहाँ पर जो तमाम सुविधाएँ हैं जो संभव हैं इस स्थिति के अंदर, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो रहने को लेकर हो, इवन जो टेंट्स हैं, तरपाले हैं, राशन की किट्स हैं, इवन कपड़े जो हैं वो भी आज जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जो दिए गए हैं कुछ रिलीफ कैंप्स के अंदर, कंबल हैं उनकी उनका भी उनको भी दिया गया है, जहाँ जहाँ से हमें जिन रिलीफ कैंप से जो डिमांड आ रही है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की इस मुश्किल घड़ी में किसी भी प्रकार की जो उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो, किसी भी प्रकार की उनको कोई जो जितना हम उनका दुख इस समय कम कर सकें उसका जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और सभी जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, सभी एसडीएम्स को मैंने पूरे ज़िला के अंदर जो है डायरेक्शंस दी हैं कि जहाँ जहाँ लैंड अनसेफ हुई है उसकी जियोलॉजिकल रिपोर्ट जो है हम टीम जिला स्तर से भेज रहे हैं। ऑलमोस्ट वो टीम 5-7 लोकेशंस पर इस समय जा चुकी है और वहाँ पर एक जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करें, जो जो घर डैमेज हुए हैं उनमें जो फौरी राहत है और एज पर रिलीफ के जो उनको सहायता की जानी है उसको अविलंब जो है उस सहायता को प्रदान करें उन लोगों को। और साथ साथ एक जो फॉर्मेट इनको सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स को दिया गया है कि जो लैंड वॉश अवे हुई है या जो लैंड अनसेफ डिक्लेयर हुई है उस सभी लैंड का जो एक जो ब्यौरा है उन सभी जो हमारे पटवार वृत्त हैं उसके अंदर बना के रखें, और उसके एडज्वाइनिंग जितनी भी हमें नॉन फॉरेस्ट जो डीसी लैंड मिलती है उसका भी चयन करके रखें ताकि जो हमारी जो पॉलिसी है स्टेट गवर्नमेंट की उनके अनुसार इनको जो लैंड है वो भी उसका आवंटन भी जो है तीव्र जो किया जा सके ताकि इनको इमिजिएट जो रिहैबिलिटेशन की जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सके। सर, भूमि का आप आवंटन की बात कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से वो आवंटन कब तक किया जाएगा? देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सभी जो एसडीएम्स और आरओस को डायरेक्शंस हैं कि जो एक खाका बनाकर कितनी लैंड उस व्यक्ति के पास थी उसमें से कितनी लैंड वॉश अवे हुई है, उसके पास उसके बैलेंस बची हुई लैंड कितनी है, क्या वो जो बैलेंस बची हुई लैंड वो सेफ है, तो इन सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट जो है सभी सब डिविजन जो है वो बना रहे हैं। और ऐसी जो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ऐसा जो जो मंजर है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के विभिन्न सब डिविजन्स में अलग अलग तहसीलों में देखने को मिला है, चाहे हम धीरा की बात करें, चाहे हम जयसिंहपुर की बात करें, चाहे हम पंचरुखी की बात करें, इवन हमारा नगरोटा जो बड़ोह क्षेत्र है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डैमेज जो है वो सस्टेन हुआ है, ज्वालामुखी के अंदर बहुत डैमेज सस्टेन हुआ है, शाहपुर के अंदर बहुत डैमेज सस्टेन हुए, तो ये एक इस बार एक पेक्यूलियर फिनोमिनन जो है वो देखा जा रहा है। और जो आवंटन के जैसे ही हमारी जो सारी औपचारिकताएं हैं वो पूर्ण होगी उसके तुरंत उपरांत जो है वो आवंटन कर दिया जाएगा।